हेलो स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स आइए आज स्टडी करते हैं क्लास टेंथ का फुट प्रिंट विदाउट फीट बुक से लेसन नाइन भोली और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्टूडेंट्स जैसा आप यहां देख रहे हैं सेंटेंस वन लिखा है व्हाट वाज भोली इज रियल नेम भोली का वास्तविक नाम क्या था और डायरेक्टली मैंने यहाँ आंसर लिखा है सुलेखा इसमें ऑप्शन नहीं मैं दे रही हूँ क्योंकि उन ऑप्शन से हमें कोई फायदा नहीं है हमें जो आंसर है उसी को याद रखना चाहिए सेकेंड सेंटेंस है हाउ मैनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव रामलाल की कितनी बेटियां थी आंसर इज फोर नेक्स्ट है नंबर थ्री एट वॉट एज डिड भोली बिगिन टू स्पीक कितनी उम्र में भोली ने बोलना शुरू किया था फाइव इयर्स में नेक्स्ट है नंबर फोर हु वॉज राम लाल एल्डस्ट डॉटर रामलाल की सबसे बड़ी बेटी कौन थी आंसर है राधा नंबर फाइव है हु वॉज लक्ष्मी लक्ष्मी कौन थी लक्ष्मी भोली की गाय का नाम था नंबर सिक्स है हु केम टू मैरी भोली भोली से शादी करने कौन आया था विशंबर नंबर सेवन है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन भोली भोली लेसन के लेखक ऑथर मीन्स लेखक कौन है उनका नाम है के ए अब्बास और एट नंबर पर है विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन द वॉल दीवार पर भोली ने कौन कौन सी तस्वीरों को देखा था आंसर में लिखेंगे कांबर नाइन विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड ऑन इन द विलेज गाँव में रामलाल की कौन सी पोस्ट थी वह एक नंबरदार था नंबर टेन है वॉट डिड द तहसीलदार अर्ज रामलाल अबाउट हिज डॉटर्स अर्ज का मीनिंग है आग्रह करना तहसीलदार ने रामलाल से उसकी बेटियों के बारे में क्या आग्रह किया क्या रिक्वेस्ट की उन्हें स्कूल भेजने की रिक्वेस्ट की थी नंबर इलेवन पर है वॉज वरिड अबाउट भोली यहाँ शुरू में ब्लैंक स्पेस दी गई है और पूछा है कि भोली के बारे में कौन वरिड चिंतित था परेशान था आंसर में लिखेंगे रामलाल उसका पिता भोली के बारे में चिंतित था नेक्स्ट है नंबर ट्वेल्व डैश आस्क भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लास किसने कहा भोली को बैठने के लिए कोने में किसी एक क्लासरूम में ये कहा था टीचर ने नेक्स्ट है द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन एंड द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम हाई स्कूल गाँव का विकास हो गया वह एक गाँव से बन गया एक छोटा कस्बा और छोटा सा प्राइमरी का जो स्कूल था वो क्या बन गया एक हाई स्कूल नंबर फोर्टीन है ऑन-डेश फेस अ ट्रायम्फेंट स्माइल किसका चेहरा था जो लालची था और उसके उस लालची चेहरे पर ट्रायम्फेंट जीत की स्माइल मुस्कुराहट आई वो चेहरा था बिशंबर का फिफ्टीन है द प्रेजेंट स्टोरी भोली हैज बीन रिटन बाय स्टूडेंट यहां देखिए ये सेंटेंस उसी तरीके से है स्टूडेंट यहां इस सेंटेंस में भोली के राइटर के बारे में ही पूछा है लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है तो आंसर आप जानते हैं किस तरह से लिखना है के ए अब्बास सिक्सटीन है भोली वॉज द और आगे स्पेस दिया है तो आंसर लिखेंगे फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। चौथी बेटी थी भोली नंबरदार रामलाल की सेवनटीन पर है वॉट हैंथस ओल्ड क्या हुआ था जब भोली केवल दस महीने की थी शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट वह अपनी चारपाई से गिर गई थी नंबर एटीन इज वट वॉज द रिजल्ट ऑफ फॉलिंग ऑफ द कॉट क्या परिणाम हुआ चारपाई से नीचे गिरने का भोलीज ब्रेन वॉज डैमेज भोली के दिमाग की कुछ हिस्से में डैमेज नुकसान हो गया था उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी सिर में नाइनटीन नंबर है वॉट नाइन्टीन नंबर इज एट द टाइम ऑफ बर्थ भोली वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी जन्म के समय भोली कैसी थी बहुत सुंदर और गोरी। नंबर ट्वेंटी है वेन भोली वॉज टू ईयर्स ओल्ड जब भोली दो वर्ष की थी शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स तो उसको बीमारी हो गई थी स्मोल पॉक्स जिसे हिंदी में कहते हैं चिकेन जिसे हिंदी में कहते हैं चेचक तो छोटी माता उसको निकल आई थी जब वह केवल दो वर्ष की थी नंबर ट्वेंटी वन इज वट वॉज द रिजल्ट ऑफ स्मॉल पॉक्स डिजीज स्मॉल पॉक्स डिजीज डिजीज होता है बीमारी रोग तो चेचक खसरे का जो ये रोग था उसका क्या परिणाम था शी है डीप ब्लैक पॉक मार्क्स ऑल ओवर द बॉडी उसके पूरे चेहरे पर पॉक मार्क्स छोटे छोटे काले निशान हो गए थे उसकी पूरी बॉडी पर गहरे काले रंग के नंबर ट्वेंटी टू है वॉट वॉज द एज ऑफ भोली वेन शी बिगेन टू स्पीक जब बोली जब होली ने बोलना शुरू किया तो वो कितने वर्ष की थी फाइव इयर्स की स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम यहाँ स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा आपके सिलेबस से रिलेटेड आगे भी बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी नंबर ट्वेंटी थ्री है हाउ मेनी चिल्ड्रन रामलाल हैड रामलाल के कितने बच्चे थे लड़के और लड़कियां सभी मिलाकर टोटल टोटल सेवन उसके बच्चे थे सेवन चिल्ड्रन नंबर ट्वेंटी फोर है हाउ मैनी डॉटर्स रामलाल हैड रामलाल के बेटियां कितनी थी चार हाउ मैनी सन्स रामलाल हैड बेटे रामलाल के थे थ्री तीन बेटे थे रामलाल के और चार बेटियां नेक्स्ट है हाउ डिड भोली फील इन द स्कूल फर्स्ट डे पहले दिन स्कूल में भोली ने कैसा महसूस किया शी वॉज फ्राइटन वह डरी हुई थी एंड शाउटेड और चिल्लाई इन टेरर डर के कारण नेक्स्ट है भोली वॉज इम्प्रेस्ड बाय भोली को किसने प्रभावित किया किसके द्वारा भोली प्रभावित थी द पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑन द वॉल दीवार पर चिड़ियों और जानवरों की तस्वीरों को देखकर नंबर ट्वेंटी एट है द टीचर डैश हर टीचर ने उसे एनकरेज प्रोत्साहित किया आंसर है एनकरेज प्रोत्साहित किया नेक्स्ट है नंबर ट्वेंटी नाइन वॉट वॉज द एज ऑफ भोलीज ब्राइड ग्रूम भोली के दूल्हे की ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हा तो भोली का जो दूल्हा था उसकी उम्र क्या थी ही वॉज ऑलमोस्ट द एज ऑफ भोलीज फादर वह लगभग भोली के पिता की उम्र के बराबर था नंबर थर्टी है व्हाट वाज द नेम ऑफ भोली के दूल्हे का नाम क्या था? आंसर भिशंबर नाथ अब है नंबर थर्टी वन हाउ मच मनी डिड बिशंबर डिमांड एज डाउरी ऑन सींग भोलीज फेस भोली का चेहरा देखकर बिशंबर ने कितने रुपए की दहेज के रूप में मांग की फाइव थाउजेंड रूपीज पांच हजार रूपए मांगे भिशंबर ने भोली का चेहरा देखने के बाद हु एक समृद्ध अमीर दुकानदार नेक्स्ट है नंबर थर्टी थ्री हाउ मच मनी वॉज रामलाल रेडी टू गिव कितना पैसा देने के लिए रामलाल तैयार था टू थाउजेंड रूपीज भिशंबर ने फाइव थाउजेंड मांगे थे लेकिन रामलाल मुश्किल से ही दो हजार रूपए उसको अरेंज करके दे सकता था नंबर थर्टी फोर है गार्लैंड ऑफ मैरी भोली ने गेंदे के फूलों की माला के साथ क्या किया शिथ्रू द गार्लैंड इन द फायर उसने आग में उस माला को फेंक दिया थर्टी फाइव है रामलाल कॉल्ड भोली डैश रामलाल ने भोली को क्या कहा क्रेजी कि तुम पागल हो गई हो नंबर थर्टी सिक्स इज एट लास्ट भोली अंत में भोली ने कहा कि आंसर है शी वुड नॉट हैव सच अ मीन एंड मैन हर हजब उसने कहा कि वह इतने बुरे और लालची व्यक्ति को अपने हस्बैंड के अपने पति के रूप में प्राप्त नहीं करना चाहेगी वह अपने पति को वह एक लालची पति नहीं चाहती है नंबर थर्टी एट है भोलीज टीचर सेट भोली की टीचर ने कहा यस भोली ऑफ कोर्स। हाँ भोली वास्तव में बिल्कुल ऐसा ही होगा एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इज केम टू परफॉर्म द स्कूल ओपनिंग सेरेमनी जब फर्स्ट टाइम स्कूल ओपन हुआ बच्चों के लिए तो उस सेरेमनी में कौन आए थे आंसर में लिखेंगे तहसीलदार तहसीलदार आए थे टू परफॉर्म द स्कूल ओपनिंग सेरेमनी तो स्टूडेंट आई होप आप इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा जिसके लिए थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में